नेशनल हाईवे 34 फिर हुआ लाल, ट्रक ड्राइवर सहित फलासी की मौके पर हुई मौत। मौदहा में तड़के सुबह एक भीषण हादसा हुआ है जिसमें तेज गति से आ रहा ट्रक अनियंत्रित होकर हाईवे किनारे पेड़ों पर जा टकराया, जिससे ट्रक बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और मौके से ही ट्रक ड्राइवर सहित फलासी की मौके पर मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर अग्रिम कार्यवाही शुरू कर दी है। कानपुर सागर राष्ट्रीय राजमार्ग पर दुर्घटनाओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिसमें आज बड़े सुबह लगभग 4 बजे हमीरपुर जिले मौदहा कस्बे के निकट राठ तिराहे पर कानपुर से ट्रक अनलोड करके आ रहा ट्रक हाईवे किनारे के पेड़ों पर जा टकराया, जिससे ट्रक पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे मौके पर ही ट्रक ड्राइवर अंकित उर्फ चरण सिंह 25 वर्ष, पुत्र सीताराम और फलासी भूरा सिंह 24 वर्ष, पुत्र वरदानी की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रक से शवों को बड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला और ट्रक मालिक अरविंद साहू और मृतकों के परिजनों को सूचित करने के बाद दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस की सूचना के बाद मौके पर पहुंचे मृतक ड्राइवर अंकित के बड़े भाई ने बताया कि हमेशा की तरह अंकित आज भी अपना ट्रक कानपुर में खाली करके वापस कबरई लौट रहा था, लेकिन उनको क्या पता कि अब उनका भाई कभी लौट कर नहीं आएगा, जबकि कुछ महीनों बाद उसकी शादी भी होनी थी। क्या नाम है भैया आपका? अभी मेरा नाम रामनील है। क्या हुआ है? ये हमारा भतीजा है जो ये गाड़ी चलाता था, कानपुर से कबरई की ओर आ रहा था, तो रास्ते में ये मौदहा और नरेश के बीच में अचानक स्टेयरिंग फेल हो जाने के कारण ये स्टेयरिंग फेल हो जाने के कारण अनंतर होकर के जाके पेड़ से टकरा गया। क्या नाम है भैया? उनका नाम है चरण सिंह। कितनी उम्र रही हो? 24 वर्ष। 24 वर्ष। पिताजी का नाम है सीताराम। और कितने लोग थे? 2 लोग थे, एक सौरव का था क्लीनर, दोनों लोग थे। उनकी उम्र कितनी होगी? 20 साल। ट्रक में कुछ लोड था या नहीं? खाली ट्रक था, कबरई की ओर जा रहा है। कितने समय की घटना है? ये सुबह 3 बजे की। अपडेट मीडिया के लिए मौदहा से हर्षित गुप्ता की रिपोर्ट।